तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताऊँ सैमसंग गैलरी के एक नए अपडेट के बारे में, नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए उसके बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरुण, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको सीधा अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाएंगे अपडेट वाले सेक्शन पे, तो आप देखिए एक नया अपडेट आपको मिल रहा होगा सैमसंग गैलरी के अंदर, जो कि आज ही के दिन रोल आउट किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, तो यहाँ नीचे की तरफ आएंगे आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया 13 मार्च को, मतलब आज ही के दिन रोल आउट किया गया है। इसका वर्जन नंबर है 14.1.0.3.1, साइज है 34.57 MB। यहाँ पर क्या चेंजेस किए गए, इम्प्रूव किए गए यूजेबिलिटी ऑफ प्रीव्यू ऑन फोटो और टेकन। मतलब पहले तो उसको अपडेट कर लेते हैं। प्रीव्यू ऑफ फोटो ऑफ टेकर, मतलब कि जैसे ही अगर आप कोई फोटो वहां पर क्लिक करते हैं, जो उसका प्रीव्यू आप कभी कभार देखते होंगे बहुत टाइम बाद अपलोड होता है। मान लो आपने कोई फोटो खींची है, वो बहुत टाइम बाद आपको दिखती है, मतलब 1 मिनट या 2 मिनट बाद उसको बनने में टाइम लगता है, बट ऐसा अब नहीं होगा। इस अपडेट के बाद उसको इम्प्रूव कर दिया गया है ताकि जैसे ही आप फोटो क्लिक करो आपको क्विकली वहां पर व्यू हो। और इससे पहले वाले अपडेट में आपको नए चेंजेस दिए गए थे, जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेजर का वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। अब देखते हैं एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। लाइक मैंने यहाँ पर कैमरे में आया, कैमरे में आने के बाद मैंने फ़ोटो क्लिक करी, और फोटो क्लिक करने के बाद मैं झट से यहाँ पर क्लिक खोलता हूँ, तो ये जो व्यू आता है इसी को कहते हैं कि झट से, मतलब ये इसका जो प्रीव्यू है फट से ओपन हो जाए। अब मैं एक बार सिंगल टेक में भी लेता हूँ, जैसे कि पहले सिंगल टेक में फ़ोटो लेता था तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता था, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी। तो एक बार इसको सिंगल टेक में भी यूज़ करके देखते हैं कि कितनी जल्दी ये वर्क कर रहा है या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ। ऐसी नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैं सैमसंग रिलेटेड टिप देता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं बन गया, और जैसे ही मैं इंस्टेंटली यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टेंटली में क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर वर्क कर रहा है, फट से आपको वहाँ पर रिजल्ट दिखा दे रहा है। तो यही होता है प्रीव्यू वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले यह सबसे मेन चीज़ इसमें यही चीज़ अपडेट की गई है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसकी यहाँ पर प्रीव्यू की स्पीड को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, बोल सकते हैं इम्प्रूव किया गया है, यही इसमें नया चेंजेस दिया गया है। और कुछ यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में यही दिया गया है। और जब भी कोई नया अपडेट आता है सिक्योरिटी भी अपडेट होती है, तो हमेशा आपको उसको अपडेट करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है वीडियो कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आज यहाँ करो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।